हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक बिट फोन का पावर कैपेसिटर बैंक है जो कि 4 kVAR का है, 440 वोल्टेज के लिए। तो दोस्तों मैं इस बॉक्स के बारे में बताऊंगा, ये पावर बैंक के बारे में बताऊंगा कि पावर बैंक जो है अपने किस काम आएगा, और अपने किसान भाइयों को खासकर समर्थन मोटर में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली ये चीज़ है, और कहाँ पे उपयोग होगा इसके बारे में आज अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये 4 kVAR का है, 440 वोल्टेज के लिए, यानी कि ये जो हमारा पावर बैंक है, यानी कि कैपेसिटर जो है, पावर कैपेसिटर, ये चलेगा आपका 3 फेज में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा है 4 kVAR का। ये दोस्तों मैं इसलिए इसको लिया था, हुआ क्या था कि एक्चुअली मेरे पर्सनल खुद के खेत में वोल्टेज की प्रॉब्लम है, वहाँ पर मेरे 3 फेज तो हैं, बट आपको मैं थोड़ा सा पास में करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ पे कि 3 फेज के लिए ये पावर कैपेसिटर बनाया गया है। तो हुआ क्या था दोस्तों कि मेरे खेत में जो है 3 फेज तो है, मगर मेरे एक फेज में वोल्टेज सही आ रहा था, बाकी 2 फेजों में वोल्टेज कम आ रहा था, जिसके कारण मैं इसको लिया हूँ। इससे होता क्या है दोस्तों, आपका जो तीनों फेज का वोल्टेज है वो बराबर रहेगा। मैं आपको इसका पैनल खोल के दिखा देता हूँ पहले कि टर्मिनल आपका कनेक्शन कहाँ पर रहेगा, तो मैं आपको खोल के जल्दी जल्दी से दिखा देता हूँ। तो मैं इस टूल किट की मदद से इसमें मैं इसके चारों स्क्रू लगे हुए हैं, दो इस साइड दो उस साइड, तो मैं इनको ओपन कर लेता हूँ। ये दो मैंने ओपन कर लिए और दो लगे हैं इस साइड, तो इन दोनों को भी मैं ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने इसको ओपन किया, तो आपको यहाँ पे 3 टर्मिनल मिलते हैं जो कि आप देख सकते हैं ये हमारे तीनों फेस में डायरेक्टली चढ़ जाएंगे, जहाँ पे अपन मोटर का कनेक्शन होता है हमारा, जहाँ पे हम लोग यानी कि 3 फेस हमारे जो खंभे से आते हैं, डायरेक्टली हम इन 3 वायर को हम उस पर जोड़ देंगे। तो इसको लगाने से हमको बेनिफिट क्या होंगे दोस्तों, अपन उसी विषय में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये लो वोल्टेज, जिसके खेत में वोल्टेज की प्रॉब्लम है, वोल्टेज की कमी है, उस काम में ही आपको उसके लिए आएगा। और दूसरी चीज़, अगर आपके समर्सिबल पंप में लोड पड़ रहा है, अगर ज़्यादा वोल्टेज लोड पड़ रहा है, कहना चाहिए कि आपका समर्सिबल ज़्यादा एम्पियर ले रहा है, तो अगर आप इस पावर बैंक का इस्तेमाल करेंगे, इस पावर कैपेसिटर का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे देखिए साफ तरीके से कंपनी ने लिख के दिया हुआ है कि आपका जो समर्सिबल पंप अगर 10 से 15 एम्पियर ले रहा है, यानी कि जो लोड ले रहा है, तो आपको ये 5.24 का एम्पियर देगा इसको लगाने के बाद। यानी कि अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो समर्सिबल पंप है उसका लोड जो है काफ़ी कम हो जाएगा, यानी कि आपको क्या है, तीनों फेस में बराबर करंट मिलेगा इसको लगाने के बाद। इसका यही बेनिफिट है, और इससे के लगाने से हमको यही बेनिफिट मिलता है कि वोल्टेज की प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें दोस्तों, अगर आपके खेत में कहीं भी आपको समर्सिबल पंप में प्रॉब्लम जा रही है, अगर आपके समर्सिबल पंप में लोड भी बढ़ रहा है, अगर आपके समर्सिबल पंप में मान लीजिए, एक मैं एम्पियर घड़ी लेके आता हूँ, दिखाता हूँ आपको। आप मेरे इस हाथ में घड़ी देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है एम्पियर घड़ी है, आप देख सकते हैं ए बना हुआ है। अक्सर क्या होता है, जब हमारी 3 फेज या 4 फेज की मोटर, जब तीन सॉरी 4 फेज बोल रहा हूँ, 3 फेज की मोटर जब भी हम इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे 3 HP हो या 5 HP हो या 10 HP हो, तो HP के हिसाब से क्या होता है, ये एम्पियर जो है अपना बढ़ता है, मोटर के लोड के हिसाब से एम्पियर ये बढ़ेगा। अगर मान लीजिए आपके 3 HP की मोटर है, और मान लीजिए अगर आपके पास फेस की प्रॉब्लम है, अगर आपके तीनों फेस में एक आध फेस सही आ रहा है, एक दो फेस वीक है, तो अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे, तो जो आपका अगर लोड इसके भी अगर आपका लोड अगर 15 एम्पियर आ रहा है, तो ये आपको 5.24 पे ला के रख देगा इसको लगाने के बाद। ये आपको बेनिफिट मिलेगा कि मोटर में लोड ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोटर को बराबर। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको मेरा समझाने का पर्पस समझ में आ गया होगा कि इसका इस्तेमाल हमको कहाँ पे करना है और कैसे करना है, और इसके क्या बेनिफिट मिलेंगे आपको। तो दोस्तों इस चीज़ का मैं आपको आज मैं सोचा जानकारी दे दूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है, खासकर हमारे उन किसान भाइयों के लिए जिनके यहाँ वोल्टेज की प्रॉब्लम रहती है ज़्यादातर। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, मैंने इस्तेमाल की है अपने खेत में, और अभी भी ये सही कंडीशन में है। मैं इसको इसलिए अभी निकाल के लेके आऊँ कि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ। एक्चुअली क्या है, मेरा खेत जो है ज़्यादा दूर है, इसलिए अभी खेती बाड़ी मेरे यहाँ बंद है,
इस कारण मैं इसको खोल के लेके आया कि मैं इसकी वीडियो बना के आपको दिखा सकूँ। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, आई लव यू ऑल।